देख रहे हैं वसई सत्ता हिंदी न्यूज। दोस्तों वसई सत्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज 10 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। दरअसल इस दिन को मनाने की जरूरत उस समय पड़ी जब पूरे विश्व में सुसाइड के केसों की संख्या लाखों में पहुंच गई। साल 2018 में WHO की रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व के शीर्ष 20 देशों में लोग हर पल अपनी जान देने में उतारू हैं। ऐसे में हताशा और निराशा की कल्पना की जा सकती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में 2019 में 1,39,023 लोगों ने खुदकुशी की। अपने हाथों से अपनी ही जान देने की ये बीमारी बहुत भयानक रूप लेती जा रही है। इन्हीं आंकड़ों की अगर बात करें तो इनमें सर्वाधिक 18,916 लोग महाराष्ट्र के ही थे। लिहाजा हम ये मान सकते हैं कि महाराष्ट्र में इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा है। ये आंकड़े 2018 की तुलना में 3.4% ज्यादा थे और अब कोरोना काल में ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो गया है। ऐसे में आज के दिन महाराष्ट्र के पालघर जिले वसई तालुका में एवर्शन सिटी की सामाजिक संस्था एवर्शन सिटीजन वेलफेयर फोरम ने एक इनिशिएटिव लेते हुए आज एक टीम की घोषणा की है जो कि तनाव में आए हुए या जीवन से परेशान लोगों को हर संभव मदद देने की कोशिश करेगी ताकि वे सुसाइड जैसा कदम ना उठा सकें। इसी प्रयास के लिए उन्होंने कुछ नंबर भी जारी किए हैं जो हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तनाव में जो भी लोग हों वो फोन कर मदद ले सकते हैं। सर बताइए क्या कल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है तो हमने सोचा कि हर साल इंडिया में लगभग 1.5 लाख सुसाइड्स होते हैं, अलग अलग कारणों से होते हैं। कुछ स्टूडेंट सुसाइड्स होते हैं, कुछ फार्मर सुसाइड्स होते हैं, तो ये बहुत ही डिप्रेसिंग सिचुएशन है। आज समाज में लोग कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अकेलेपन से जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना है। तो हम सोच रहे हैं कि कल इस वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे पे हम एवर्शन सिटी सिटीजन्स वेलफेयर फोरम हम लोगों से बात करें और ऐसे कुछ लोग अगर हैं, आज कोरोना के वजह से भी बहुत लोग फाइनेंशियली परेशान हैं और अलग अलग परेशानी है, तो हम चाहते हैं कि उनसे बात करें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें और उनको बताएं कि रास्ता है अभी। तो आपको कोई डेस्परेट होने की बात नहीं है, आप सोचिए, हम उनको सोल्यूशन दें। तो हमने कोशिश की है कि एक टीम बनाए, अमित पांडे जी हमारे एक मेंबर हैं जो लीड कर रहे हैं हमें, और एक टीम रहेगी जो कई लोग का नाम नंबर हम ये एडवर्टाइज करेंगे ताकि लोग उनसे बात करें और अपने प्रॉब्लम्स बताएं और समझें और कम से कम सुसाइड हो इंडिया में या ना हो। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, उनकी फैमिली बर्बाद हो जाती है, उनके लिए भी कुछ सोचा आपने? तो यही बात है, हमें लगता है कि क्यों ऐसा होता है, लोग क्यों इतने डिप्रेस फील कर रहे हैं, क्यों अकेला फील कर रहे हैं, क्यों लग रहा है कि सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लोगों को बात करनी चाहिए उनसे, और जो भी उनके नज़दीकी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त हैं, उनसे बात करें और सुसाइड्स को रोका जाए। तो हम अपने तरफ से छोटा सा इनिशिएटिव ले रहे हैं, अमित पांडे जी आपको आगे बताएंगे। क्या क्या बातचीत से ही सब हल हो जाएगा क्या? रास्ता तो आज एक बड़ी समस्या जो फाइनेंशियल की है जी, कोरोना के वजह से 6-8 महीने से लोग बेरोजगार हैं, काम धंधे नहीं है। बातचीत से हल नहीं निकलेगा, पर सुसाइड से भी कौन सा हल निकलने वाला है? हमें यही बोलना है कि जिंदा रहे आदमी तो हल कहीं ना कहीं निकलेगा, हो सकता है शुरुआत तो करें, ऐसा सोचे तो सही कि हल है, कहीं ना कहीं रास्ता है इसके लिए। हाय, मैं अमित पांडे। जैसे कि हमारे फोरम ने एक इनिशिएटिव लिया है कल सुसाइड प्रिवेंशन डे पे, तो हम एक छोटा सा ये इनिशिएटिव ले रहे हैं उन सारे लोगों के लिए जो किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी तरीके से इस सिचुएशन में आ रहे हैं। हो सकता है उनके रोज़गार के लिए हम उनको मदद करें या बातचीत करके एक हम प्रॉपर सॉल्यूशन उनको दे सकें कि आप कैसे इससे प्रिवेंट कर सकते हो और आपको ये सिचुएशन में, आप इस सिचुएशन में ना हो, तो हम उसका एक सॉल्यूशन कल एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें काफ़ी सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और वो एक डेडिकेटेड उनको सॉल्यूशन देंगे कि आप कैसे इससे बच सकते हो। अगर हमने एक भी ज़िंदगी बचाई तो ये हमारे फोरम के लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट भी होगा। क्या लगता है ऐसे मतलब आपके इस प्रयास से कितना इफेक्ट होने वाला है? देखिए, शुरुआत ज़रूरी है, रिजल्ट क्या आएगा वो तो खैर आना ही है, लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम कोई भी एक ज़िंदगी भी बचा लें अपने इस प्रयास के माध्यम से,
तो ये हमारे लिए अचीवमेंट है और ये शुरुआत ज़रूरी है। आज हमने ये शुरुआत किया है तो आगे जाके इसका ज़रूर एक पॉजिटिव हमको रिप्लाई तो आएगा ही आएगा। तो क्या ये लिमिट एरिया एवर सेंसिटिव रहेगा या एक ब्रॉड कुछ सोच के प्लान करें? नहीं, हम तो वैसे भी आजकल डिजिटल लोग काफ़ी कनेक्ट होते हैं, काफ़ी सारे लोग डिजिटली प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो हम कोई भी एरिया को मतलब कोई भी केसेस आए हैं तो हम ये चाहते हैं कि उसको हम प्रॉपरली कैटर करें। एक पर्टिकुलर एरिया में हम नहीं रखना चाहते। स्टार्ट हम एवरशाइन सिटी से या एवरशाइन फोरम में मास में कर रहे हैं, बट ये कहीं भी किसी भी लोकेशन का अगर हमको केस आ रहा है तो डेफिनेटली विल आर फोरम विल सॉल्व। तो इसमें कोई काउंसलर वगैरह किस टाइप का, कोई एक्सपर्ट लोग भी शामिल हैं? जी, हमारे पास एक्सपर्ट हैं, काफ़ी सारे प्रोफेशनल लोग हैं और काफ़ी सारे कॉर्पोरेट के लोग हैं जो ऑलरेडी काफ़ी सारे पैनल में काम कर चुके हैं। राइट, हमारे यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो वो काम कर रहे हैं, तो हमने एक डिसाइड किया है पैनल में उसका सॉल्यूशन किस तरह से देना है, ये सारा चीज़ हम डिसाइड करके उसका फिर आगे आंसर देंगे। हाय, मैं एवरशाइन फोरम से बात कर रहा हूँ। अब हमने अमित पांडे जी ने बताया कि हमने एक एवरशाइन फोरम में एक सुसाइड प्रिवेंशन के लिए हम एक काउंसलिंग टीम बना रहे हैं जहाँ पर लोगों को हम काउंसलिंग करेंगे। इसके साथ साथ हमने और एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पर हम लोगों को, जैसे आज की तारीख में कोविड में सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग जॉबलेस हो चुके हैं और सबको नौकरी की ज़रूरत है और यही एक वजह है जिसका उनको मानसिक संतुलन उनका वो तकलीफ में आ गया। तो आज हम ये सोच रहे हैं कि हम जॉब सीकर्स एंड जॉब रिक्वायरमेंट जिसका है, ये जैसे एक प्लेसमेंट छोटा सा फ्री ऑफ चार्ज करेंगे, जिस वी विल ट्राई टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज़। लोगों से हम ये कोशिश करके लोगों से मिल रहे हैं और जिनको जॉब देना है उनको और जिनको जॉब चाहिए इनको मिलाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हम इसमें एक इम्प्रूवमेंट लाएंगे। हम थोड़ा सा इसमें ये करेंगे कि लोगों का कुछ तो मानसिक संतुलन कम हो और उनको कम से कम जो तकलीफ है, जिसकी आज हम ये बता रहे हैं, हम भाषण देंगे, हम बोलेंगे, हम सब करेंगे, लेकिन जब तक उसको खाना नहीं मिलेगा वो उस तकलीफ में ही रहेगा। तो मेरा कहना है, फोरम का कहना ये है कि हम जितना हो सके उनको जितनी राहत हम दे सकें हमारी तरफ से, हम ये नहीं कह रहे कि हम उनको सब कुछ देंगे, हम ये कह रहे हैं हम सब कोशिश वो करेंगे जिनसे उनको ये मानसिक संतुलन सहन करना नहीं पड़े और उनको ये कहाँ नौकरी की ज़रूरत है तो हमसे बताए, हम जो हमसे जुड़े, हम कहीं ना कहीं जैसे जॉब सीकर्स हमारे पास आते हैं जिनको जॉब देना रहता है, हम उनसे कांटेक्ट में ऑलरेडी लगे हुए हैं, हम ऑलरेडी हमारे आदमी उन पर वर्कआउट कर रहे हैं, जिनको जॉब चाहिए हम उनको भी जॉब देंगे और ये प्लेसमेंट हम अभी फ्री ऑफ चार्ज एवरशाइन फोरम करेगी। थैंक यू। न्यूज़ व्यूज़ और हर तरह की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें वसई सत्ता, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले आप तक। आपके जीवन में भक्ति रंग भरता आपका अपना चैनल मंगल कथा कीर्तन। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।